हाय गाइस, सो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ये Lecture-1 है EPFO EO 2020 के लिए। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, मोस्टली आपका थियोरेटिकल एक टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें आपकी कोई स्कीम्स नहीं होंगी और करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा मैटर नहीं होगा, थियोरेटिकल और कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राई ये है, इसलिए आपको जो भी स्लाइड्स में है वो याद रखना है, अपने नोट्स इसमें बनाने हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेरी इजी, हमें पता ही है जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या रिलेशंस होते हैं। आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते रहते हो, वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई, यूनियन की स्ट्राइक हो गई। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की दो प्राइमरी पार्टीज होती हैं, वो होती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक हुआ या मैनेजमेंट हुआ, हायर मैनेजमेंट, और एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हुए जो फैक्ट्रीज में काम करते। सपोज करिए कि कोई कार बनाने की कंपनी है, तो जो वर्कर्स हुए और मिड लेवल एम्प्लॉयज हुए, सबकी एक आपके एक तरीके से यूनियंस होती हैं। यूनियन का नाम भी आपने सुना ही है, ठीक है। तो इनके जो रिलेशंस होते हैं मैनेजमेंट के साथ, उन्हें ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोला जाता है। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स होते हैं इनके बीच में। अब आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ वर्कर, आपकी सैलरी है, आपकी वर्किंग कंडीशंस हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, आपको सिक्योरिटी है या नहीं है, ठीक है, आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दी जाती हैं या नहीं है, आपका जो वर्क प्लेस है वो सही भी है काम करने के लिए, वहाँ पे प्रोटेक्शन है, मतलब अनफोर्सिन इवेंट्स, फायर हो गई या फिर आपका कोई भी एक्सीडेंट है तो उस केस में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे ये पॉइंट्स होते हैं और ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैज़ इट्स रूट्स इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारा अमेरिका में हुआ था, वहाँ से इसकी रूट्स एंड हिस्ट्री हमें पढ़ने की कोई ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनली इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाज फाउंडेड बाय जॉन आर कॉमन्स, ये आपको नाम याद रखने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें पूछ लिए जाते हैं कि स्टार्टिंग में मतलब जो कहाँ से शुरुआत हुई थी, इंस्टीट्यूशनली मतलब कहाँ पर ये पढ़ाया गया था सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस इतना थ्योरेटिकल टॉपिक है कि आपको इसके बारे में पता होने के लिए कहीं यूनिवर्सिटी में कहीं पे आपको पढ़ाया जाता है। जैसे MBAs का भी ये पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम उसे मोस्टली कहते हैं। तो पहली बार ये 1920 में एज अ फर्स्ट अकेडमिक प्रोग्राम इसे पढ़ाया गया था। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रियल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अपने नोट्स आप इन्हें बना सकते हैं, इससे पहले तो आपको पता ही है। थ्री मेजर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, तीन तरीके के पर्सपेक्टिव्स होते हैं या फ्रेमवर्क्स होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप इन्हें इम्पॉर्टेंट मतलब स्टार मार्क करके अपने नोट्स बना सकते हो। यूनिटरिज्म, प्लूरलिज्म और रेडिकल और क्रिटिकल स्कूल। तो ये क्या है ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में आर्टिकल्स 14-16, 19(1)(c), 23-24, 38, 41-43A, ये आपके लेबर राइट्स या इंडस्ट्रियल रिलेशंस से को मतलब डिफाइन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके लिए मेरी जो लास्ट वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड लास्ट वीडियो, आर्टिकल्स वगैरह उसमें सारे दिए गए हैं, जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको कुछ भी नहीं तो रट लेने हैं, उनमें से दो तीन क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल 41 आपका राइट टू वर्क के बारे में बोलता है, उसके लिए NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास हुआ था, जिसके बाद फिर वो मनरेगा आपकी स्कीम आई थी, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिटरिज्म पे। यूनिटरिज्म की क्या डेफिनेशन है बस आपको ये याद रखनी है और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। दिस अप्रोच सजेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑल शेयर अ कॉमन पर्पस। तो कॉमन पर्पस मतलब जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज हैं दे आर ऑन द सेम पेज, क्योंकि आजकल के टाइम में तो
बहुत ही कम ऐसा होता है, या फिर जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना उनमें ये चीज़ आपको फिर भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है कि 10 ही लोग काम कर रहे हैं और सब आपके शेयर होल्डर्स हैं। आपने जैसे अपने जैसे जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, आपने बोला कि हाँ मैं आपको सैलरी दूंगा, सैलरी कम रहेगी बट आपको 2% शेयर रहेगा कंपनी में, तो सबका एक कॉमन पर्पज हो गया, राइट, सब शेयर होल्डर्स हो गए। तो इसलिए यूनिटरिज्म ये स्टार्टअप्स और इन सब के केसेस में आज के टाइम में आ सकता है, बट उतना कॉमन नहीं है हमारी जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें, बट आपको पता होना चाहिए। तो वन हैप्पी फैमिली से भी इसे डिनोट करा जा सकता है, वहाँ पर भी सबका एक ही कॉमन पर्पज होता है। यूनिटरिज्म इज अ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, इट डिमांड्स लॉयलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑब्वियसली, तभी ये इस अप्रोच आपकी काम करेगी, वरना ये किसी काम की नहीं है। और इसमें क्योंकि सबका एक कॉमन पर्पज है, वन हैप्पी फैमिली, ट्रेड यूनियंस का इसमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेड यूनियंस आर अननेसेसरी, ठीक है, आप यूनियन बनाकर करोगे क्या जब सेम पर्पज शेयर करते हो सभी। और स्ट्राइक कन्फ्लिक्ट इज कंसिडर डिस्ट्रक्टिव, अगर स्ट्राइक हो गई ऐसे एनवायरनमेंट में तो मतलब ये डिफीट हो गया, यूनिटरिज्म डिफीट हो गया और वो यूनिटरिज्म रहा ही नहीं, ठीक है। तो यही उसका फीचर है, इतना ही बस पढ़ना है इसके बारे में और आपको याद रखना है। प्लूरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है आज के टाइम में। इट सजेस्ट दैट देयर इज मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर इन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड बिजनेस लीडर्स। वन सोर्स ऑफ पावर, एक सोर्स ऑफ पावर तो हो गया आपका मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट जो CEO और ये सब हो गए, क्योंकि वो ही डिसीजंस को ड्राइव करते हैं कंपनी आगे क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या प्रोडक्शन रहेगा, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं। उसके अलावा दूसरा होगा आपका जो ट्रेड यूनियंस होती है, एम्प्लॉयर्स की यूनियन, वो एम्प्लॉयज़ की यूनियंस होती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली जाओगे अपनी फरियाद लेकर या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो वो उतना वेट नहीं रहेगा, हो सकता है कि वो इग्नोर कर दीजिए, बट आपको एक यूनियन, एक बॉडी अपनी बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसको कुछ लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दूसरा सोर्स ऑफ पावर है, जो मोस्टली दो सोर्स ऑफ पावर होते हैं, बट कई केसेस में जो बड़ी कंपनी होती हैं यूनियंस भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जैसे अब किसी एक फैक्ट्री की यूनियन अलग हो गई, दूसरी फैक्ट्री की अलग हो गई, इस तरीके से। और सबके अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट होते हैं, मैनेजमेंट का अपना इंटरेस्ट होता है, यूनियंस के अपने होते हैं। तो यूनियन क्या होती है कि आपकी जो मिनिमम वेज होती है, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस, इन सब को लेकर मैनेजमेंट से आप नेगोशिएट करते हो, ये होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले मारुति सुजुकी में गुड़गांव में बहुत स्ट्राइक हुई थी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, तो वो ट्रेड यूनियन का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। टू प्रीडोमिनेंट सब ग्रुप्स, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन, द थ्योरी सेज कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट कौन सी थ्योरी कहती है? प्लूरलिज्म, इन डीलिंग विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज डिफरेंट सब ग्रुप्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट। कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इज व्यूड नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मतलब कोई एक जो आपका जो पार्टी है वो कुछ टाइम के बाद अपने आप को थोड़ा सा फेड अप महसूस करने लगेगा कि अगर आपकी जो ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं वो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी चीज़ को अपोज नहीं कर रही हैं, तो आपकी वेजेस कम हो जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस भी, क्योंकि मैनेजमेंट फिर हावी हो जाएगा, मैनेजमेंट अपना ही फ़ायदा देखेगा। ऐसे ही ट्रेड यूनियंस अगर हावी हो जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर तो आप कमा ही नहीं पाओगे जिस पर्पस के लिए करें। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि थोड़ा सा आप झुको थोड़ा सा मैं झुकूँगा। फिर रेडिकल और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, रेडिकल से ही हमें पता लग जाता है कि एक्सट्रीम ये है, फंडामेंटल डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो अगर जैसे हम कहते हैं ना फोर्स लेबर वगैरह हो गई आपकी, और अमेरिका में जैसे पहले होता था जो ब्लैक एंड वाइट होते, ब्लैक्स को मतलब कि भाई खाना भी मिनिमम देना है, पैसे तो देने ही नहीं है, वो स्लेव फ्री वगैरह, ये सब, ये सब बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गए। बट वही कैपिटलिज्म आप कह सकते हो, कैपिटलिस्ट होते हैं जो एकदम मतलब जो मालिक होता है और लेबर से बहुत ज़्यादा काम कराता है, मीनिंग कम से कम वेज देगा, कम से कम आपकी वर्किंग कंडीशंस होंगी, जो कि अभी हमारे देश में भी प्रेवलेंट है। छोटी जगहों पर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं,
ठीक है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लेकर लॉज ला रही है, कुछ रूल्स ला रही है, तो ये सब कम होते जा रहे हैं, बट ये है। तो ट्रेड यूनियन है नेचुरल रिस्पॉन्स। तो जब आपका, आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा शोषण होगा किसी का, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो अपने आप ही लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ेगा, उसका रिजल्ट होगा धीरे धीरे वो अपना यूनिटी बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे, तो ट्रेड यूनियंस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। उसके बाद ट्रेड यूनियन इज इन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर्मिंग अ लीगल यूनिट कॉल्ड अ बार्गेनिंग यूनिट। तो बार्गेन करने के लिए इट एक्ट्स एज अ बार्गेनिंग एजेंट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज। टुडे यूनियंस आर यूजुअली फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट इन पे बेनिफिट्स वर्किंग कंडीशंस सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस। तो ये सब है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज जनरली डिवाइडेड पॉलिटिकल लाइंस पे होता है। ट्रेड यूनियंस अपने भारतीय मजदूर संघ है और कुछ आपकी ये जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनकी अपनी ट्रेड यूनियंस है, तो पॉलिटिकल लाइंस पे ज़्यादा होते हैं, उनके पॉलिटिकल मुद्दे भी अपने अपने होते हैं। तो वुमेन की एक ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, ये आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी इंडिया में ट्रेड यूनियन है वुमेन की, ठीक है, ये एज अ फैक्ट आपको याद रखना है। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनाया गया था सबसे पहले, जो इन जो ट्रेड यूनियंस वगैरह को रेगुलेट करेगा, उनके मैकेनिज्म को भी, कब बननी चाहिए, क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उनके क्या क्या फीचर होने चाहिए, कैसे वो ऑपरेट होंगी, ठीक है, उनकी फंडिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ों के लिए एक्ट बनाया गया जिससे कि वो रेगुलराइज हो जाए। तो स्टैटिस्टिक्स ऑन ट्रेड यूनियंस आर कलेक्टेड बाई लेबर ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये आपको फैक्ट है कि याद रखना है। भारतीय मजदूर संघ द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, अभी क्या है कि 12 ट्रेड यूनियंस हैं जो रिकॉग्नाइज हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इंडिया में, ठीक है। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया था, 27 में पास हुआ था। इसके कुछ सेक्शन 3 है कि एक आपको यू हैव टू अपॉइंट अ पर्सन रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में यानी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन मे बाई एप्लीकेशन अप्लाई, 7 या उससे ज़्यादा ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम नहीं करेंगे। तो ये आपको सेक्शन 2 याद रखने इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। कलेक्टिव बारगेनिंग जैसा कि हमने पहले ही देखा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। कलेक्टिव अग्रीमेंट फंक्शंस एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बीट्रिस वेब, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग, बीट्रिस वेब। आर्टिकल 23 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो कहाँ पर ट्रेड यूनियंस या कलेक्टिव बार्गेनिंग का कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और कहाँ से इन्हें लीगल वैलिडिटी मिलती है, तो आर्टिकल 23 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आइडेंटिफाइज द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियंस एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ओके, फिर आइटम 2A ऑफ ILO's डिक्लेरेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स टू वर्क में भी इसका मेंशन है। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये एक दूसरा एक्ट है जो अपने को करना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर कलेक्टिव डिसेंट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क, सिंपल ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की ये डेफिनेशन दी गई है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट, तीन तरीके के आपके मैकेनिज्म डिफाइन करे गए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कंसिलिएशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, तो एक थर्ड पार्टी पे जाएंगे जो कि मोस्टली इंटरनल होती है कंसिलिएशन में, ठीक है, एक बीच का रास्ता दिखा के या फिर उन्हीं में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे अपनी मीटिंग वगैरह करके। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप आर्बिटर के पास जाते हैं जो कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, ऐसी सही में कंपनीज होती हैं जो कि आर्बिट्रेशन का ही काम करवाती हैं, ये डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल कराते हैं, ठीक है। तो जो भी फिर फाइनल डिसीजन आता है वो बाइंडिंग होगा। फिर एडजुडिकेशन इज लीगल, लीगल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आपकी डिस्प्यूट सुलझाएगी, जो कि हैं लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो होते हैं, तो ये आपके होंगे। इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो वीडियो है गाइज इम्पॉर्टेंट है, अभी फंडामेंटल्स हैं, इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।